है आपका इस वीडियो में दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कि जनक के प्रकार। दोस्तों आपको इससे पहले भी बताए थे जीवों में जनन क्या है, तो आप लोगों को पता ही होगा जीवों में जनन क्या है। तो अभी फिर चर्चा करेंगे किस पे, जनन के प्रकार पे। तो जनन के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार होते हैं। तो पहला क्या है अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है लैंगिक जनन। तो इसके विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सारे वीडियो मेरे स्टेप बाय स्टेप यानी भाग वन भाग टू मिलता रहेगा। क्योंकि उस वो वीडियो जो बनाए हुए थे वो 18 मिनट का था, ये भी वीडियो बनाएंगे जो मतलब आपको मिलता रहेगा, इसी प्रकार वीडियो मिलता रहेगा, समझ गए? तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के विषय में जानेंगे। तो पहला क्या है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो हम क्या बोले थे कि अलैंगिक जनन क्या है। तो क्या करेंगे दोस्तों अलैंगिक जनन के विषय में, तो अलैंगिक जनन को हम अयुग्मक जनन भी कहते हैं, समझ गए दोस्तों? तो क्या इसको समझना है, ठीक है? ये नहीं कि अब उतार लिए अभी बस हो गया, समझिए हमारे तरफ से समझाया जाता है, ये उतारना बाद में मतलब नोट बाद में कीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है दोस्तों? तो पहले क्या है अलैंगिक जनन, दूसरा क्या है अलैंगिक जनन को ही क्या कहते हैं अपन, तो अलैंगिक जनन को अपन कहते हैं अयुग्मक जनन, ठीक है? तो अब इसका डिफिनेशन जानेंगे। कहता है डिफिनेशन है, इस जनन के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। आपको यहां से पता चल रहा होगा इस जनन के लिए केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है दोस्तों? अब नीचे है कि या तथा, जो भी बोलेंगे तथा अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को भी हम अपन क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। अब नोट में हम दिए हैं दूसरा डेफिनेशन की या क्लोन क्या है, हम क्लोन को अच्छे रूप से जानेंगे, अच्छे तरह से जानेंगे क्लोन क्या है, क्योंकि किसी भी जानकारी को अच्छे तरह से करना प्राप्त करना होता है, क्योंकि वो मतलब कई डिफिनेशन कई प्रकार के बनते हैं। आपके परीक्षा में भी पूछा जाएगा या परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, ठीक है दोस्तों? तो आपको क्या करना या देखना है कि नोट में या क्लोन क्या है, तो जन्म लिया हुआ संतान क्रियात्मक और अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, ठीक है दोस्तों? यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्या है, जनन की एक तीव्र गति होती है, ठीक है? अब जनन क्या है इसके विषय में आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं जनन क्या है, जनन के बारे में अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है दोस्तों? तो अब क्या करना है, यहाँ पे है का जनन की एक तीव्र गतिविधि है। अब जनन की एक तीव्र गतिविधि है क्या, हर एक मतलब इंसान की जो होती है जन्म की तीव्र गति अलग होती है, एक कुत्ते की अलग होती है, एक पालतू जानवर की अलग होती है, एक चींटी की अलग होती है, एक मच्छर की अलग होती है, सबकी जो होती है मतलब ये तीव्र गति या मतलब गति जो होता है अलग अलग होता है। एक मतलब एक मनुष्य के मतलब मनुष्य जन्म लेने में उसको 9 महीने का समय लगता है, इसी प्रकार सबका समय अलग अलग है, ठीक है दोस्तों? तो अब नेक्स्ट फिर क्या है, नेक्स्ट है बनने वाली संतान अधिक संख्या में भाग लेगी। क्या है, बनने वाली संतान, जो भी संतान या संतति का उत्पन्न होगा वो जो होगा अधिक संख्या में भाग लेगा, ठीक है? तथा एक ही जैसी संतान को जन्म देगी, ठीक है दोस्तों? अलैंगिक जनन के बारे में अच्छे से नहीं बताए, फिर भी अच्छे से बताएंगे ऊपर में इसका डिफिनेशन समझा के, ठीक है? तो पहले ये आप समझ लीजिए क्या क्या एक ही जैसी संतान को जन्म देगी। दूसरा क्या है, निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। कहता है ये जो होता है अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। इसके बाद है उच्च श्रेणी के पादप में से कायिक जनन भी कहते हैं। अब आपको क्वेश्चन आपके मन में आएगा कायिक क्या, अरे कायिक क्या बोल दिए, तो इसके विषय में भी बताएंगे कायिक क्या है। तो कायिक यहाँ देखेंगे कायिक कैसे कहते हैं, कायिक जनन क्या है। आपको जहां भी परेशानी हो आप कमेंट कीजिए, सर इस टॉपिक पे हमको समझ में ना रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको आप दोबारा बताइए, तो इसको मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना? अब कहता है जब कायिक जनन क्या है, तो इसको अभी बताएंगे, इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका डिफिनेशन का आंसर लिखा हुआ है। जब किसी पौधे में, कहता है जब किसी पौधे में बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग में, ठीक है दोस्तों? कहता है जब किसी पौधे में बीज के अलावा किसी अन्य भाग में नया पौधा, ठीक है, तो नया पौधा बन जाता है, उसे अपन कायिक जनन भी कहते हैं या कायिक जनन कहते हैं, ठीक है दोस्तों? तो अब यहां देखने को मिल रहा है क्या, कायिक जनन। अब कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो कायिक जनन के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है? तो पहला क्या है, मुकुलन, ठीक है? पहला विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजान और चौथा है पुनरुद्भवन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले क्या बोल दिया आपको, मुकुलन बोल दिए, कोई बात नहीं है, विखंडन मुकुलन बीजान और पुनरुद्भवन, ठीक है?
अब जैसे हम अपन बात कर रहे थे यहाँ पे अलैंगिक जनन के विषय में कि हाँ बताएंगे अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या है, कहता है यहाँ पे इस जनन के लिए केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे है नर और मादा, कोई भी संतान को जन्म लेने के लिए सबसे उसको मेल और फीमेल का जरूरी होता है, ठीक है, मेल और फीमेल चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं होता है, इसमें एक ही, जैसे ये है देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसमें कोई मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोई मेल फीमेल निषेचन नहीं करता है। इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें मतलब ना ही तो मेल दूसरा लेगा ना ही फीमेल। इसमें यह होता है कि मेल है अलग है यानी फीमेल जो है अलग है, तो दोनों एक ही में है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, न तो मेल पार्टिसिपेट करेगा निषेचन करेगा न ही फीमेल करेगा, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे कि इसमें अमीबा पहला क्या है अलैंगिक जनन का जैसे में है, तो अमीबा को अपन देख रहे हैं। अमीबा क्या है, ये नर है और मादा है, ये दोनों एक ही कोशिका में है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो एक कोशिका में, मेल और फीमेल जो है एक कोशिका में है, तो ये जो है दूसरा यानी देखिए ये क्या है केवल एक जन्म के, या नहीं तो लड़का के लिए अट्रैक्ट होगा और ना ही लड़की के लिए अट्रैक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं किसी दूसरे से साथ, बेचारा अमीबा भी सोचता होगा कि सबका शादी हो रहा है मेरा शादी क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अमीबा जो होता है अपने जैसी संतान का, इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों एक, क्या कहा गया अलैंगिक जनन क्या है केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, इसमें दूसरा जनक पार्टिसिपेट या निषेचन नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया, ये जो होते आप कहते हैं एक ही जैसी संतान को जन्म देगी, कहता है अगर ये मतलब संतान इसका गोड़ा रहेगा तो गोड़ा रहेगा, या बड़ा रहेगा बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक ही जैसी संतान को जन्म देगी, और क्या करना है यहाँ आगे नेक्स्ट अपन जानेंगे कि लैंगिक जनन के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ दोस्तों, तो आपको आपके सामने लेके आ चुके हैं लैंगिक जनन, पहले बता चुके थे अलैंगिक जनन के बारे में, अब क्या है देखिए यहाँ पे लैंगिक जनन दूसरा नंबर का है, लैंगिक जनन क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लैंगिक जनन, इससे पहले भी अलैंगिक जनन के विषय में आपको बताया थी कि जिसमें एक जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या है दो जनन की आवश्यकता होगी, लेकिन लैंगिक है क्या इसके विषय में पहले अपन यहाँ पे अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ है इस जनन के लिए दो अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है, या इनमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अपन अब इस बात पे जानेंगे कि आखिर होता क्यों है, तो मतलब जैसे दो अंगों के मतलब यहाँ जो है दो अंगों की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला है क्या, अगर कोई संतान की उत्पत्ति के लिए, ठीक है, अगर कोई बच्चे के माता पिता, तो अगर माँ अकेले रहेगी तो नहीं संतान उत्पन्न होगा, उसके माता पिता दोनों चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। तो यहाँ पे है एक मेल है, ठीक है, ये क्या है मेल, ये क्या है फीमेल, ठीक है दोस्तों। तो मेल और फीमेल जब दोनों आपस में निषेचन करता है, ठीक है ना, निषेचन करता है तो युग्मनज होता है, युग्मनज यानी एक बच्चे संतान को जन्म देता है, ठीक है ना, तो उसी को हम अपन संतति कहते हैं। इसमें क्या है दो अंग भाग लिया, दो अंग भाग गया या दो लैंगिक अंग अलग अलग जनक की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्या है नर और मादा, और इसमें लैंगिक जनन की आवश्यकता क्या होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपन यहाँ पे है क्या, जैसे नर है और मादा है, नर और मादा जैसे मेल और फीमेल है, तो इसमें नर में क्या पाया जाता है दोस्तों, वीर्यसन पाया जाता है, ठीक है ना, और मादा में क्या होता है अंडाशय पाया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है नर, नर को जो है मतलब एक बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है, और मादा को बच्चे पैदा करने के लिए इसमें वीर्यसन की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो नर में जो होता है वीर्यसन की आवश्यकता होती है, तथा मादा में अंडाशय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो अगर अपन अब यहाँ जानेंगे कि वीर्यसन के लिए नर एवं वीर्यसन जो है, जिसको हम अब यहाँ है इसमें शुक्राणु है, शुक्राणु में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई बच्चे पैदा करने के लिए, देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए कोई किसी मतलब महिला को अगर मतलब बच्चे नहीं हो रहा है, ठीक है ना, किसी महिला को बच्चे नहीं रहा, तो अभी ये नहीं कि महिला ही इसमें दोषी है, ठीक है, महिला ही दोषी नहीं है, जिसमें एक बच्चे पैदा करने के लिए एक्स एक्स या एक्स वाई, आप समझ ही रहेंगे, एक्स 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 जो महिला में पाया जाता है एक्स एक्स, ठीक है ना, और पुरुष में एक्स वाई, ठीक है ना। तो अगर मतलब एक बच्चे पैदा करने के लिए
महिला का एक्स, ठीक है, महिला का एक्स और पुरुष का एक्स आया तो इसमें क्या होगा, संतति का बेटी का उत्पन्न होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार अगर पुरुष का, ये अलग टॉपिक पे चलेंगे लेकिन समझा देते हैं, समझ जाइए कोई बात नहीं। हम अपन क्या बोलते थे कि समझाना ही मेरा अथी है, मकसद कि बच्चे समझे, समझिएगा तो नहीं भूलिएगा, नहीं समझेंगे तो फिर तो भूल जाइएगा, ठीक है ना। नोट अभी मत कीजिए, नोट करने के लिए आपको हम पीडीएफ बना के दे देंगे, नोट वहां से आप लेके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, बट यहाँ आप समझ जाइए, ठीक है। और स्त्री के लिए, स्त्री जैसे फिर स्त्री का एक्स आया और इसका वाय, तो एक्स और वाय मिलकर पुत्र का जन्म हुआ, यानी बेटा का जन्म हुआ, ठीक है। तो समझ गए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे अपन यहाँ पे कि पुत्र और एक्स का आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन अब क्या है कि मतलब शुक्राणु और अंडाणु जब निषेचन करता है तो क्या होता है, युग्मनज होता है, जो एक संतति यानी संतान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। एक संतति, एक संतान का जन्म होता है, चाहे बेटा बेटी जो भी हो, ठीक है, लेकिन एक संतान का, जैसे यहाँ पे यह है गोलू के पापा, ये गोलू के पापा, ठीक है, ये क्या है, गोलू का मम्मी, ठीक है। ये दोनों जब निषेचन किया, ठीक है, दोनों जब निषेचन किया तो ये क्या हुआ, गोलवा पैदा हुआ, ठीक है। तो गोलवा पैदा हुआ तो गोलवा क्या है, संतति है, ठीक है, संतति है, संतान है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे है क्या कि 23 जोड़े शुक्राणु में, कितने जोड़े गुण सूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, 23 जोड़े, और यहाँ पे क्या है अंडाणु में 23 जोड़े, तो दोनों मिला के कितने गुण सूत्र हुए, 46 जोड़े गुण सूत्र हुए, ठीक है। दोनों मिला के कितने गुण सूत्र हुए दोस्तों, 46 जोड़े गुण सूत्र हुए, ठीक है ना। तो शुक्राणु और अंडाणु इक्वल टू 46, यानी संतति का एक युग्मनज, देखिए युग्मनज, ठीक है, एक युग्मनज का जन्म हुआ, ठीक है। तो अब हम आप लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे, इसको विस्तार से जानने के लिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।